ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है देववाणी संस्कृत की दशा, दिशा और हमारी संस्कृति से अंतर संबंधों पर केंद्रित विशेष रूपक संस्कृतमेव संस्कृति, अर्थात संस्कृत है तो संस्कृति है। आलेख पार्थ सारथी थपलियाल, प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। धन्यम् भारत भूतलम् प्रियतमम् सारस्वतम् मन्दिरम् धन्या संस्कृत वासुधा परतरा गीर्वाण संसेविता। भारत भूमि धन्य है, ये वाणी की देवी सरस्वती का प्रिय निवास है। धन्य है यहाँ की भाषा संस्कृत। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणम् तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मंगल्यदास्तु। संस्कृत शब्द क्री धातु पर उपसर्ग लगाकर बना है। क्री का अर्थ है करना, संस्कृत का अर्थ है संस्कारित, अर्थात वो भाषा जो संस्कारित है वो संस्कृत है। इसे गीर्वाण, भारती और देववाणी भी कहा जाता है। इस भाषा ने आदिकाल से मानव के जीवन को संस्कारवान बनाया। वेदों में निहित है ब्रह्मांड ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और लौकिक ज्ञान। इन्हीं में है जीवन जीने की वो कला जो प्रकृति, जीव और जगत के लिए परम आवश्यक है ताकि सर्वत्र शांति रहे। सभी भारतीय इस बात पर भी गर्व करते हैं कि वेद काल से वर्तमान तक संस्कृत भाषा ने भी ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है, चाहे वह विज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो या स्वास्थ्य हो, एस्ट्रोनॉमी हो या आर्किटेक्चर हो, गणित हो या मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है। भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति की उपज है। वेदों में उपलब्ध ज्ञान को मुख्यतः तीन रूपों में देखा जाता है, ज्ञान, विज्ञान और कर्मकांड। इन सबको जानने के लिए मूल ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है। मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश पांडे संस्कृति के लिए संस्कृत को मुख्य कारक मानते हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा है, जेन जाता पिता महाः तेन याया सताम वर्तमान तेन गच्छन् हृंशते। येनास्य पितरो जाता जेन जाता पितामहः तेन याया सताम वर्तमान तेन गच्छन् हृंशते। अर्थात हमारी एक बड़ी लंबी परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने अपने तप के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा जो सबके लिए उपादेय है उसको समझा है, उसको ग्रंथ में बांधा है और उपदेश दिया है कि हमें इसका पालन करना चाहिए। जब तक इन महनीय ग्रंथों का ठीक से अध्ययन नहीं होगा तब तक हमारी भारतीय संस्कृति को ठीक से समझा नहीं जा सकेगा, क्योंकि इन काव्यों की, इन ग्रंथों की प्रतिष्ठा इन्हीं के आधार पर है और यही वो ग्रंथ हैं जिनको पढ़कर के दुनिया कहती है कि वस्तुतः भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो जीवन शैली के लिए सबसे उत्तम है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। भाषाविदों ने इसे भारतीय भाषाओं में अग्रणी माना है। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के न्यासी सचिव और संस्कृत भारती के सह संस्थापक पद्मश्री से सम्मानित
चमू कृष्ण शास्त्री। संस्कृत एक भाषा ऐसी है भारतीय भाषा जो संपूर्ण भारत में एक भाषा है। एक दूसरा, अनादिकाल से आज तक अव्याहत रूप से आई हुई भाषा है। तीसरा, सभी भारतीय भाषाओं की पोषिका है और राष्ट्रीय एकता का मूल सूत्र संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा ने जिस विचार को दिया है, ये जो इंक्लूसिव भारत की विशेषता का बात बताते हैं, ये इंक्लूसिव कल्चर किसने दिया? संस्कृत भाषा ने दिया है। संस्कृत भाषा के दो स्वरूप हैं, एक है वैदिक और दूसरा लौकिक। वैदिक संस्कृत कठिन है लेकिन लौकिक संस्कृत अपेक्षाकृत सरल। संस्कृत भाषा के विद्वान डॉक्टर बलदेवानंद सागर, वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत और लोक की भाषा वो लौकिक संस्कृत, ऐसा हम कह सकते हैं। वेदों को चूंकि ऋषियों ने समाधि अवस्था में उच्चारित किया है और लोक में जैसे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बास, इनकी जो भाषा, ऐसे हम समझ सकते हैं। व्यवहारे या व्यवहारियते सा व्यवहार भाषा, जिसका व्यवहार किया जाए बोलचाल में, आजीविका में, कर्मकांड में और राजभाषा जैसे होती है उसमें, बोलचाल में इसका प्रयोग हम करें तो पढ़ने लिखने से और व्यवहार में प्रयोग करने से ये व्यवहार की भाषा बन जाएगी। चमू कृष्ण शास्त्री आगे बताते हैं, सामान्यतः जनानां संस्कृत भाषा विषये चिंतनं भवति संस्कृत भाषा कठिना इति, परंतु वास्तविक रूपेण भाषा कठिना नास्ति। साहित्य भाषा प्रौढ़ा भवति, कठिना भवति, संभाषण भाषा सरला भवति। इस प्रकार अगर हम सरल रूप से संस्कृत बोलेंगे तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन क्या है, लोग मंदिर में श्लोक या मंत्र के रूप में संस्कृत सुनते हैं, वो थोड़ा अर्थ समझने में कठिन होता है और संस्कृत व्यवहार में न होने के कारण संस्कृत के बारे में ऐसे गलत फहमियां फैले हैं। संस्कृत भाषा को संस्कारित करने का प्रथम श्रेय भाषा के आचार्य महर्षि पाणिनि को जाता है। महर्षि पाणिनि ने शिवजी द्वारा नृतकाल में डमरू से निकले 14 सूत्रों को पहचान कर माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया और उन्हें परिभाषित किया। क्या है इन सूत्रों की कहानी, सुना रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की विदुषी डॉक्टर आभा झा। माहेश्वर सूत्र के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि सनकादि ऋषियों ने, जिनकी संख्या 7 मानी जाती है, सभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी प्रारंभ की। और तपस्या भी कैसी, शिव को प्रसन्न करने की। शिव जी ने उनका ध्यान भंग करने के लिए नृत्य करना आरंभ किया, तो जैसे ही उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने अपना डमरू बजाना प्रारंभ किया और 14 बार डमरू बजाया। उस 14 बार बजे डमरू से 14 माहेश्वर सूत्रों का जन्म हुआ। ये सूत्र ही भाषा शास्त्र के उद्भव के मूल हैं। इन 14 सूत्रों में संपूर्ण शास्त्र समाहित है। माहेश्वर सूत्रों का पाठन कर रहे हैं श्री ज्वालपा देवी संस्कृत विद्यालय के छात्र। माहेश्वराणि सूत्राणि आय गुण रे लृक ऐ अंग आय औच आय वरण लण यम गण नम झभय घड़ दश जब गण दश खप छठ थ चट तव कपय सस सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ज्ञान की बात ये भी बता दें कि संस्कृत भाषा में 1700 धातुओं, 70 प्रत्ययों और 81 उपसर्गों के योग से बनने वाले शब्दों की संख्या लगभग 27,20,000 हो जाती है।
आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अनंत शब्दों की निर्मिति संभव है, और इसलिए किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव या विषय को एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। भाषा सुसंस्कृत हुई तो समाज में लोक व्यवहार पर भी संस्कारित होने का प्रभाव पड़ा। मानव मूल्यों, आदर्शों और नैतिकताओं को स्थापित करने के लिए और समाज के उचित संचालन के लिए 16 संस्कार अपनाए गए। इनकी जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संस्कृत और हिंदी अकादमी के सचिव डॉक्टर जीत राम भट्ट। वशिष्ठ ने महत्ता बताई और इनका क्रम बताया, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्राशन, चूड़ा कर्म, विद्यारंभ, कर्ण वेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार। अब इन 16 संस्कारों में मनुष्य को मनुष्य बनाने की एक प्रक्रिया है। अब जहां तक इन संस्कारों की महत्ता की बात है, जीवन पे प्रभाव की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज जो समाज में विकृतियां चारों ओर देखनी पड़ती हैं, उसका कारण यह है कि हमारे जीवन से संस्कार जो है वो लुप्त हो गए हैं। देखिए, हमारे एक श्लोक की एक पंक्ति प्रचलित है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, कि अगर आपको भारत को भारत बनाना है तो भारत की पहचान ही दो है, एक है संस्कृत और दूसरी है संस्कृति। अब संस्कृत क्यों है? क्योंकि पूरी संस्कृति जो भारत की संस्कृति है वह संस्कृत में है। तो इसलिए संस्कृत तो बहुत जरूरी है संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए, कर्मकांड की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए। भारतीय संस्कृति में माता, पिता, गुरु, देवता, अतिथि, जीव जंतु, वनस्पति, यहां तक के पंच तत्वों, पंचभूतों, ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म का समग्र ज्ञान प्राचीन पुस्तकों में है। ये ज्ञान संस्कृत भाषा में है। पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः तस्य वायुरेव समित अभ्रम धूमः विद्युदर्चिः अशनिरंगाराः प्रादुनयो विस्फुलिंगाः तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्वति तस्या आहुतेर्वर्षं संभवति। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में दिया गया भाषण भारतीय संस्कृति के वैश्विक दर्शन का अद्भुत प्रमाण है, जब उन्होंने कहा था, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों। वसुधैव कुटुंबकम के वेदांत दर्शन और संस्कृत पर प्रकाश डाल रहे हैं चमू कृष्ण शास्त्री। योग की भाषा कौन? संस्कृत है। आयुर्वेद की भाषा संस्कृत, वेदांत की भाषा संस्कृत, भगवद गीता की भाषा संस्कृत, वेद की भाषा संस्कृत, इन सभी विद्याओं के ओरिजिनल सोर्स मूल ग्रंथ संस्कृत में है। इसलिए दुनिया भर संस्कृत पढ़ना शुरू किए हैं। वास्तविक दृष्टि से आज संस्कृत विश्व भाषा हो रही है। जिस प्रकार भारत में संस्कृत एकात्मता का निर्माण किया, इसी प्रकार आने वाले वर्षों में विश्व वसुधैव कुटुंबकम का साक्षात्कार करेगा। संस्कृत भाषा की वैश्विक स्वीकृति, संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता और संस्कृत भाषा में उपलब्ध ज्ञान और विज्ञान के बारे में बता रहे हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। संस्कृत में देखेंगे तो जीवन मूल्य भी हैं, देखेंगे तो ज्ञान कथा सागर है, जीवन दर्शन है, आयुर्वेद है, योग है, जीवन की हर वो चीज है जो मनुष्य के लिए चाहिए, उसके महान ग्रंथों में समाया हुआ है। और जो चीज हमारे पास है पूरी दुनिया को देने के लिए, चाहे हमारा शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत हो, चाहे चाणक्य हो नीति की दिशा में, और चाहे वो नागार्जुन हो रसायन शास्त्री, चाहे वो चरक ऋषि हो आयुर्वेद वाले, चाहे बौद्धायन हो, जितने भी उस समय के हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनि हैं जो उन्होंने ग्रंथों को बनाए हैं, इनका विश्लेषण करके शोध और अनुसंधान के साथ पूरी दुनिया में इस बात को ले जाने की जरूरत है। संस्कृत भाषा में उपलब्ध ज्ञान केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं, उसमें निहित ज्ञान
हमारी वैज्ञानिक संस्कृति को भी बढ़ाता है। दुनिया उस विज्ञान पर अनुसंधान कर रही है। भारत में हम अपनी क्या उपलब्धियां बता सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के विद्वान डॉक्टर गिरीश नाथ झा। वैदिक विज्ञान भारत के ज्ञान परंपरा की मुख्य धारा रही है। इसके कई उपविषय हैं, जिनमें भाषा विज्ञान को हम सबसे महत्वपूर्ण विषय मान सकते हैं, जिसमें शिक्षा, निरुक्त, छंद और व्याकरण हमारे वेदांगों में आते हैं। विद्वानों में हम पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भर्तृहरि और नागेश का नाम ले सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय वैदिक विज्ञान में गणित और खगोल विज्ञान का है। इनके शीर्ष के विद्वान आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर, माधव और नीलकंठ को मान सकते हैं। आधुनिक खोजों में डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, शून्य का और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोसाइन और साइन का कॉन्सेप्ट, ये सब गणित और खगोल विज्ञान से आए माने जा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय मेडिकल साइंस यानी आयुर्विज्ञान का है, जिसकी कई शाखाएं हैं, जैसे काय चिकित्सा है, कौमारी भृत्य है, शल्य तंत्र है, शालाक्य तंत्र है, भूत विद्या है, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र है। और जो पुस्तकें हैं इनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अग्निवेश संहिता, काश्यप संहिता, हरित संहिता आदि प्रमुख माने जाते हैं। चौथा विषय अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का है, जिसमें मुख्य रूप से एरोनॉटिक्स जैसे कि विमान शास्त्र और आर्किटेक्चर वास्तुशास्त्र आते हैं। वैमानिक शास्त्र में यंत्र सर्वस्व जो महर्षि भारद्वाज का बहुत चर्चित है, और वास्तुशास्त्र में कई पुस्तकें हैं, बृहत संहिता, मयमत संहिता, गार्ग्य संहिता, गृह पीठिका, वास्तुचक्र, शिल्प प्रकाश आदि आते हैं। पांचवा विषय मेटलर्जी का है, धातु विज्ञान, जिसमें रस रत्न समुच्चय, रसायन शास्त्र, रस रत्नाकर, आयुर्वेद की कई पुस्तकें आती हैं। भारत में आठवीं अनुसूची की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में सबसे कम बोलने वाले संस्कृत भाषी हैं। इतनी कम जनसंख्या संस्कृत को संस्कृति के लिए कितना बचा पाएगी? ये ज्वलंत प्रश्न हमने चमू कृष्ण शास्त्री के सामने रखा। जिस अनुपात में जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई, उसी अनुपात में संस्कृत छात्रों की संख्या नहीं बढ़ी है, अभी भी जिंदा है। 17 संस्कृत यूनिवर्सिटी है, 20 साल पहले केवल 3 संस्कृत यूनिवर्सिटीज थे, अभी 17 संस्कृत यूनिवर्सिटी है, 5000 पाठशालाएं हैं, 120 पीजी डिपार्टमेंट्स हैं, 11 संस्कृत एकेडमी है और 100 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 16 ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, 1000 वेद पाठशालाएं हैं, 5 करोड़ छात्र स्कूल लेवल पे संस्कृत पढ़ते हैं, 3rd largest स्टूडेंट नंबर संस्कृत का है, 5 लाख संस्कृत शिक्षक हैं, इसके अलावा 150 संस्कृत पब्लिशर्स हैं, हर साल 10,000 पुस्तकों का पब्लिकेशन होता है, ये कभी कहीं प्रचार में नहीं आता ऐसे चीजें। और आजकल आप इंटरनेट देखेंगे तो संस्कृत का यूट्यूब में इधर उधर कितना ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, ऐसे कई प्रकार से आज संस्कृत पुनरुत्थान हो रहा है। डॉक्टर चांद किरण सलूजा, निदेशक, संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान, संस्कृत की महत्ता बता रहे हैं। अनुच्छेद 351 में आधुनिक विषयों के लिए आधुनिक शब्दावली के निर्माण का जब प्रश्न उठाया गया तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया संस्कृत को आधार बनाया जाना चाहिए। फिर केवल इतना ही नहीं, आपके पास उद्देशिका जो है उसमें 4 आधारभूत मूल्य दिए गए हैं, जिसमें न्याय है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। इनकी व्याख्या कौन करेगा? इनकी व्याख्या संस्कृत का दायित्व बन जाता है। भारतीय भाषाओं के विकास की जब चर्चा होती है तो आधार संस्कृत बन जाता है। जब संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न उठता है, मौलिक अधिकार दिया जाता है, तब भी संस्कृत आ जाती है। इन सभी को लेते हैं तो
एक बहुत उज्जवल इसका स्वरूप था, जिसके कारण सन 1956-57 में भारत सरकार ने एक संस्कृत आयोग की स्थापना की। उस आयोग ने एक बात कही, उस आयोग ने कहा कि जितने भी आधुनिक विश्वविद्यालय अथवा विद्यालय हैं, उनमें संस्कृत के लोग होने चाहिए, और अद्भुत शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने संस्कृतज्ञ नहीं कहा, संस्कृत वैज्ञानिक कहा। अर्थात संस्कृत अपने आप में एक वैज्ञानिकता के साथ, एक अन्वेषण के साथ, एक शोध के साथ है। सरकार, सरकारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं और कई अन्य संस्थान संस्कृत संवर्धन के लिए कार्यरत हैं और परिणाम आशाजनक हैं। इस बीच कुछ वासंती हवाएं ग्रामीण अंचलों से आ रही हैं। कई गांवों में संस्कृत बोलचाल के रूप में पनप रही है। कर्नाटक के मुत्तूर गांव और होसाहली, ओडिशा के सासना, राजस्थान के गनौदा, मध्य प्रदेश के बाधुवर, मोहद और झिरी वो गांव हैं जहां संस्कृत पल्लवित हो रही है। आइए झिरी गांव से संस्कृत की गौरव गाथा सुने। अपनी संस्कृति को सहेजने के प्रयास में जुटा छोटा सा सुंदर सा गांव है झिरी। यहां के खेतों, खलिहानों और नलकूपों पर लोग सहज भाव से संस्कृत में बतियाते हैं। यहां आकर ऐसा लगता है मानो हम वैदिक युग के किसी ग्राम में आ गए हों। झिरी ग्रामवासियों ने एक संकल्प लिया है, संस्कृत को उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का, इसे बोलचाल की भाषा बनाने का। झिरी ग्रामवासी उदय सिंह चौहान। यहाँ पर लगभग 60% यहाँ के लोग संस्कृत बोल लेते हैं, अनपढ़ भी बोल लेते हैं। अहम ग्रवम स्यु करोमि के अस्माकम एतत् भाग्यमस्ति झिरी ग्रामे जन्मम स्वीकृतवती। ये ऐसा गांव है जहां आपको छोटे छोटे बच्चे भी संस्कृत में बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। एक बानगी सुनिए। इदानीं भवान् भोजनं कृतवान्, भोजने किं किं खादितवान्? इदानीं अहं भोजनं कृतवान् तर्हि रोटिका, दालं, पूरिका इत्यादि खादितवान्। उत्तमम्। गांव के कई घरों के सुसज्जित प्रवेश द्वारों पर सुंदर अक्षरों में संस्कृत ग्रहम लिखा दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस भाषा को सीखना बहुत आसान है। ग्रामवासी शिक्षक उदय सिंह। संस्कृत भाषा अति सरला, सुबोधा, वैज्ञानिका भाषा अस्ति। तरी कोपि जना यदि संस्कृतेन वदति तरी सामान्य जना अपि ज्ञातुं शक्नोति। उदय सिंह मानते हैं कि हमारी संस्कृति के उत्स में संस्कृत निहित है। भारत तो सिरमौर विश्व गुरु रहा है, और उसको वापस विश्व गुरु बनाना है तो संस्कृत भाषा को अपनाना पड़ेगा। भारत का प्राण है संस्कृत, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का प्राण उसकी संस्कृति होती है, संस्कृति हमारी संस्कृत से है। संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए दूरदर्शन ने हिंदी फिल्मी गीतों के अनुवाद को संस्कृत में प्रसारित करना आरम्भ किया तो दर्शकों की खूब सराहना मिली। फिल्म आशिकी के गीत का पंकज झा ने अनुवाद किया। प्रतिपलं मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्य मां वार्तां कथयान्यहं कं शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ शनैः शनैः मम हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेम गते मे शुभ्रे प्रियतमे सते मेलने जानीहि ज्ञापने। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के कार्यपालक लक्ष्मी नरसिम्हन बता रहे हैं कि उनका प्रतिष्ठान संस्कृत संवर्धन के लिए क्या प्रयास कर रहा है। हमारा पूरा काम वेबसाइट्स में ही हम उपलब्ध करवाते हैं। पहला वेबसाइट है sanskrittutorial.in। इस वेबसाइट में संस्कृत पुस्तकों का, एनसीईआरटी पुस्तकों का ट्यूटोरियल्स उपलब्ध है। सेकंड पोर्शन है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ऐसा पुस्तकों का संस्कृत माध्यम से पुस्तक उपलब्ध है। और यहाँ दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध है, टीचर्स स्मार्ट क्लासेस में इसको उपयोग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स वीडियोस को देखकर खुद पढ़ सकते हैं, बच्चों के लिए राइम्स और जो भी एनसीईआरटी बुक में सॉन्ग्स है उसको पूरा हमने सॉन्ग के रूप में ही हमने उपलब्ध करवाया है।
वर्ष 2020 में भारत सरकार ने पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव कर उसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप घोषित किया। डॉक्टर चांद किरण सलूजा, अभी इस शिक्षा नीति ने स्ट्रक्चर को बदला। 5+3+3+4, ये जो पहले 5 वर्ष हैं, उसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्थात भाषा और गणित। ये आज की संकल्पना नहीं है, प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ ही भाषा शिक्षा था। तैतरीय उपनिषद में इस बात की ओर पूरा संकेत दिया गया है कि उच्चारण कैसे किया जाता है और तार्किक दृष्टि से, यानी गणित क्यों लगाया, मस्तिष्क का विकास है, ये तार्किकता का विकास है। प्राचीन काल की शिक्षा कहीं भी देखिए, गतिविधियों के माध्यम से, ये शिक्षा नीति भी कहती है गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा हो। कहने का अर्थ बनता है वर्तमान के जितने सिद्धांत हैं उनका आधार प्राचीन भारत में खोज लिया गया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मुझे लगता है कि यदि जर्मनी आज 14-14 विश्वविद्यालय संस्कृत के बना रहा है और बिल्कुल होल्ड मची हुई है, पोलैंड में जो वारसा यूनिवर्सिटी है वो वारसा विश्वविद्यालय में पिछले 200 से भी अधिक वर्षों से संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो ऐसे तमाम दुनिया के देशों में संस्कृत को पढ़ाया जाता है। और मुझे लगता है कि चाहे वो श्रीलंका हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, नेपाल हो, स्वीडन हो, मोरक्को, मैक्सिको, सहित तमाम दुनिया के देश ऐसे हैं जो संस्कृत को पढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में उसकी खुशबू बिखरी हुई है। दुनिया को लगता है कि एक तो ये साइंटिफिक भाषा है और इस भाषा में प्रखरता है, इस भाषा में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, अनुसंधान में भी है, जीवन जीने की कलाएं भी हैं, तो जीवन दर्शन भी है, तो सब कुछ समाया हुआ है इसके अंदर, इसके ग्रंथों में, तो इसलिए ये तेजी से अब पूरी दुनिया इसके निकट आ रही है। भारत आध्यात्म भूमि है, इसका जीवन दर्शन वेदों, उपनिषदों, पुराणों और स्मृति ग्रंथों से निकला है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की भावना संजोए हुए हैं। डॉक्टर चांद किरण सलूजा, संस्कृति पूरी जीवन शैली है, भाषा के जो शब्द है, शब्द अपने आप में पूरी परंपरा को कहता है, इसलिए संस्कृत हमारी जो भाषा है वो एक परंपरा को कहती है, वो परंपरा संस्कृति का ही अंग बन जाती है, इसलिए संस्कृति और संस्कृत दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में माने जाते हैं। आप अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते होंगे, नमस्कार करते हैं, ये कहां से आया, ये भारतीय संस्कृति से आया, और संस्कृति में कहां से आया, हमारे ग्रंथों से आया। संस्कृत हमारी संस्कृति का प्राण है, मंदिरों की घंटियों में, पूजा की आरती में, आध्यात्म की बाट में, गंगा जी के घाट में, गीता के ज्ञान पर, वेदों के मान पर, यही सुनने को मिला। संस्कृत मेव संस्कृति, अर्थात संस्कृत है तो संस्कृति है। देववाणी संस्कृत की दशा, दिशा और हमारी संस्कृति से अंतर संबंधों पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख पार्थ सारथी थपलियाल, वाचन स्वर मनोज माइंकर, पदम भंडारी और राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति सहायक सरबजीत सिंह और नेहा सोनी, विशेष सहयोग डॉक्टर कृष्ण चंद्र पांडे दिल्ली और पंडित विजय कुमार शर्मा सारंगपुर, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, आभार संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान नई दिल्ली एवं आकाशवाणी भोपाल, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।